आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंट्री किचन में। और कई बार हम सोचते हैं सुबह सुबह क्या नाश्ता बनाएं जो बच्चों को पसंद भी आए और हेल्दी भी हो। तो आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता और इसमें बिल्कुल भी ऑयल की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोटीन से भरपूर नाश्ते की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा। तो मूंग दाल का स्पेशल नाश्ता जो कि प्रोटीन से भरा हुआ है, उसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। तो ये मूंग की दाल मैंने 3 से 4 घंटे पहले धोकर अच्छे से भिगो दी थी। तो ये अच्छे से भीग गई है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और अब इसी के साथ हमें चाहिए कुछ सब्जियां जो कि नॉर्मली घर में मिली जाती है। तो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और शिमला मिर्च। और अब हम इसको सबसे पहले पीस लेंगे। तो पीसने के लिए आप इस दाल में डाल दें थोड़ी सी हरी मिर्च, तो आप अपने स्वाद के अनुसार 3 से 4 हरी मिर्च डाल दें। और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे अदरक का टुकड़ा और इसको भी बारीक काट देंगे। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, तो ये हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। और अब इसमें हम डाल देंगे नमक, तो स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दें। तो लगभग आधा चम्मच में नमक डाल रही हूँ। और अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे और बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट हमें बनाना है। तो ये लीजिए, हमने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस आपको ये बात का ध्यान रखें आप, और बहुत ज़्यादा पानी ना डालें इसमें। पेस्ट को हम निकाल लेंगे एक बड़े बोल में। और अब ये जो हमारे पास सब्जियां रखी है इनको हमें बिल्कुल बारीक चॉप करना है और इसको हम कर देंगे इस बैटर में मिक्स। तो चलिए पहले सारी सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे हम। तो ये लीजिए, हमने सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है। अब आप चाहें तो इन सब्जियों को इस मिक्स में, ये जो दाल का मिक्स है, इसमें ऐसे ही डाल सकते हैं, या आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। तो फ्राई करने से टेस्ट और बढ़ जाता है, इसलिए हम भी चलो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और फिर बना लेंगे हम इडली के साथ खाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी सी चटनी। तो ये हम लेंगे थोड़ा सा तेल, इसमें हमने डाल दिया है थोड़ी सी राई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ये बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, ये गई शिमला मिर्च। और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर। और अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, तब तक हम बना लेते हैं हमारी चटनी। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें भुनी हुई मूंगफली, लगभग 2 चम्मच, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे इसमें अदरक और ये कड़ी पत्ता। साथ ही इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और 2 से 3 चम्मच इसमें हम डाल देंगे फ्रेश कर्ड। और जरूरत के हिसाब से आप थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे बिल्कुल बारीक पीस लें। तो ये लीजिए, चटनी बनके तैयार है, नारियल और मूंगफली की बहुत ही टेस्टी सी चटनी। तो इसको हम डाल देते हैं एक बर्तन में और आप चाहें तो इस पर एक तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बिना तड़के के ही रखेंगे। और ये देखिए, जो सब्जियां हैं वो अच्छे से भुन गई हैं। तो बस 3 से 4 मिनट तक ही हमें इसको भूनना है और इसको मैंने थोड़ा ठंडा भी कर लिया है। तो अब इसको हम डाल देंगे इस बैटर में। तो ये सब्जियां गई हमारे मूंग दाल के इस मिक्सचर में और अब इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये तैयार हो गया है हमारा बैटर। अब इससे आप चाहें तो इडली बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे मूंगलेट बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इससे ढोकला भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं इडली।
तो अब इसमें हम डालेंगे एक पैकेट इनो का। तो ये सेशन लिया है मैंने, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक तैयारी करनी है। तो आप गैस पर एक बर्तन में पानी भर के रख दें और इडली स्टैंड में आप लगा लें थोड़ा सा तेल। ये मैंने लिया है इडली स्टैंड और इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा तेल। तो आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं या फिर आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। तो ये हमने इसमें तेल लगा दिया है और तैयार हो गया है हमारा इडली मोल्ड। इसको हम रख देते हैं अभी साइड में और अब इस बैटर में हम डाल देंगे इनो, और इनो डालकर इसको हमें मिक्स करना है अच्छे से। इनो डालने से जो बैटर है काफी फूल जाता है और अब इसको हम डाल देंगे हमारे इडली मोल्ड में। तो आप थोड़ा थोड़ा बैटर इनमें डाल दें, बहुत ज्यादा ना भरें आप मोल्ड्स को। तो ये हमने इस मोल्ड में भर दिया है। अब ये जो बचा हुआ बैटर है आप इसे फटाफट से दूसरे मोल्ड्स में भरकर स्टीम कर लें, क्योंकि हमने इसमें इनो सॉल्ट डाल दिया है। तो पहले हम इस मोल्ड को रख देते हैं कुकर में। तो ये देखिए पानी जस्ट उबलने ही वाला है और इसमें हमने रख दिया है ये मोल्ड, और इसके ऊपर गया ये हमारा दूसरा मोल्ड, और अब इसको हम अच्छे से ढक देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी जो इडलियां हैं स्टीम हो गई है। तो एक बार आप इस तरह से चाकू डालकर चेक कर लें, चाकू बिल्कुल क्लीन आया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो ये लीजिए, इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से एक बर्तन में। तो ये लीजिए हमने इडलियां निकाल ली है और अब इसको हम करते हैं प्लेटिंग। तो ये लीजिए तैयार हो गई है हमारी प्रोटीन से भरपूर हेल्दी इडलियां, और बिना एक बूंद तेल के हमारा ये नाश्ता बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी तो है ही, और दाल से बना है यानी कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, और जो चटनी है उसमें भी हमने कोकोनट और मूंगफली डाली है तो उसमें भी प्रोटीन है। तो सुबह सुबह अगर इस तरह से प्रोटीन से भरपूर हेल्दी नाश्ता मिल जाए तो बस कहना ही क्या है। तो चलिए अब हम लेते हैं इस हेल्दी हेल्दी नाश्ते का मजा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।